हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंजुलाज रेसिपी। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नया साल आ गया है, तो नए साल में मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि चटनी की रेसिपियां हैं। आज मैं आपको एक नहीं, चार तरह की चटनी बताने जा रही हूं, जो कि अलग अलग चीज़ों से बनी हुई हैं, और ये चटनी आपके खाने का स्वाद डबल कर देंगी। आप इसे खाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और अगर दाल चावल है और सब्जियां हैं तो ये आपके साइड डिश का काम भी कर सकती हैं। तो ये अलग चीज़ों से बनी हुई अलग सी चटनियां, चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहली चटनी बनाएंगे बिल्कुल अलग सी, दही और लहसुन की चटनी। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें आधा कटोरी हम लहसुन ले लेंगे छिले हुए। अब हम उसमें 5 से 7 लाल साबुत मिर्च ले लेंगे। 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे कलर के लिए, और 1 चम्मच चीनी ले लेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब हमें इन सब को बिना पानी के पीसना है। ये देखिए, बिना पानी के ये मैंने मसाला तैयार कर लिया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। एक पैन में मैं सरसों का 1 चम्मच तेल लूँगी, उसमें राई दाना डाल लेंगे, और अब हम जो मसाला हमने बनाया था लहसुन और मिर्ची का, उसको इसमें डालकर चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। गैस की आंच को हल्की रखेंगे और इसे बिल्कुल चलाते हुए हम फटाफट से भून लेंगे, जब तक कि तेल और मिर्ची वगैरह मिक्स हो जाए। अब हम आधा कटोरी दही लेंगे, उसको थोड़ा सा फेंट के हम इस मसाले में मिला देंगे। इस समय हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि दही हमारी फट सकती है। अब इसे चलाते हुए जब दही और मसाला मिक्स हो जाए तो गैस ऑन कर देंगे, और जो कटोरी में बचा हुआ दही था उसमें आधा कटोरी पानी डाल के हम इसमें मिला लेंगे। अब हम इसको हल्की आंच में चलाते हुए हमें इसे पकाना है, जब तक कि हमारा तेल ऊपर ना जाए। देखिए, हमने सिर्फ 1 चम्मच तेल डाला था, लेकिन ये अच्छे से पकाने की वजह से ऊपर तेल आ गया है, और ये हमारी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे अलग बर्तन में रख लेंगे। इसको हम रोटी के संग ऐसे ही भी खा सकते हैं, और दाल चावल के संग तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस चटनी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल अलग तरीके से बनी हुई चटनी है, आपको बहुत पसंद आएगी। चटनी तो हमने बहुत खाई है, लेकिन ये वाली चटनी का स्वाद बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब हम दूसरी चटनी शुरू करते हैं। जो दूसरी चटनी, जो देखने से ही पता चल रहा है कि ये हरी मिर्च की चटनी है, तो हम 1 कटोरी हरी मिर्च ले लेंगे, उसे हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे, और आप मिर्ची अपने हिसाब से जितनी भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। अब इसमें एक बड़ा प्याज काट के, छोटे टुकड़े काट के मैं इसको पीस लूँगी। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, प्याज के पानी से ही ये अच्छी तरह पीस जाएगी। अब इसका तड़का बनाएंगे। ये मिर्च है, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भून लेंगे, और जो हमने पीस के हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट रखा हुआ है उसको इसमें मिला लेंगे। मिर्च बहुत तेज होती है, इसलिए हम उस मिर्च को कम करने के लिए इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं। तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम इतना ही पकाएंगे जिससे इसकी जो हरी मिर्च की कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसमें 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, धनिया और 1 चम्मच अमचूर पाउडर हम मसालों में डाल लेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिला करके हम इसका कच्चापन जो है मिर्ची का दूर होने तक इसको चलाते हुए पका लेंगे। आँच को इसमें भी हमने हल्का रखना है, तेज आँच में हम नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे, ये हम अचार की तरह भी खा सकते हैं। अब हम इसमें 4 बड़ा चम्मच सिरका डाल लेंगे। सिरका से इसकी जो मिर्च का जो बहुत ज़्यादा तीखापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और ये बहुत अच्छी खट्टी चटपटी चटनी बनकर तैयार होती है। तो देखिए, ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे, और इसको हम जो मिर्च पसंद करते हैं उन्हें ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके साथ रोटी खा लीजिए, दाल चावल का ये स्वाद बढ़ा लेती है देती है। तो इसी तरह से हम इस चटनी को तैयार कर लेंगे, और इसको हम 2-3 हफ्ते फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब तीसरी चटनी है नारियल की चटनी। आप सभी को पता है नारियल की चटनी इडली डोसा के साथ खाई जाती है, तो हम इसको बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम नारियल को, कच्चे नारियल को 1 कटोरा ले लेंगे, और 1/2 कटोरा हम इसमें
चटनी वाला जो भुना हुआ चना होता है वो ले लेंगे, और स्वाद के अनुसार मिर्ची डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और मैं अभी एक कटोरा पानी डाल रही हूँ, और आप पीसते समय आपको जितना पानी लगे उतना डाल लीजिएगा। और ये देखिए अच्छा सा एक पेस्ट तैयार हो गया है इसका, और हमारी चटनी तैयार हो गई है। लेकिन अब बिना तड़के के चटनी में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो हम एक इसका उसको अलग निकाल लेंगे और इसका एक तड़का तैयार करेंगे चटनी का। तो चलिए चटनी का हम तड़का तैयार करते हैं। चटनी तो हमारी रेडी है, पर तड़के के बिना ये अधूरी है। तो अब गैस में हम एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, उसमें 2 साबुत लाल मिर्च भून लेंगे। जब लाल मिर्च भून जाए तो अब हम इसमें 8 से 10 करी पत्ता डाल लेंगे। करी पत्ता को चटका लेंगे, उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच राई दाना डाल लेंगे। साउथ इंडियन डिश में करी पत्ता, राई दाना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी एक इडली डोसा वाली चटनी है। अब हम वो तड़का इस चटनी के ऊपर लगा देंगे, जिससे चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो ये हमारी नारियल की चटनी तैयार है। इसको आप इडली डोसा के साथ, उत्तपम के साथ और साउथ की कोई भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये चटनी आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। चटनी है हमारी टमाटर की चटनी, जिसको हम कारा चटनी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, उसमें हम 2 चम्मच चना दाल भून लेंगे। चना दाल थोड़ा टाइम लगाती है, इसलिए हम इसको पहले भूनेंगे। जब चना दाल थोड़ी सी भुन जाए तो हम इसमें 2 चम्मच उड़द दाल डालेंगे, दाल ही डालेंगे धुली हुई, उसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसी टाइम हम इसमें, जब ये थोड़ा सा सुनहरी हो जाएगी, तो हम हरी मिर्च डालेंगे 1 और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, उसको भी हम भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तब हम इसमें 1 बड़ा प्याज छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। इसको हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस प्याज का भी थोड़ा सा कच्चापन दूर कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तो अब इसमें हम 8 से 9 लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च को भी हमने सिर्फ ऑयल में मिक्स करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 5 सेकेंड हम इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी भर के टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हम रफली चॉप करेंगे, क्योंकि हमें ये मसाला पीसना है। फिर उसके बाद हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे इसमें, और इसको चलाते हुए टमाटर थोड़ा सा जब गलने लगे तब तक हम इसको भून लेंगे। 5 मिनट लगेंगे इसको। देखिए टमाटर हमारा गल गया है। अब हम इसको मसाले, इसमें धनिया डाल लेंगे। धनिया जितना भी आपको पसंद हो उतना डाल लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर रख देंगे। इसको हम ठंडा होने देंगे, गरम-गरम हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे। इससे मिक्सी भी ख़राब होती है और चटनी का स्वाद भी बिगड़ जाता है। तो अभी जब ठंडी हो गई है, देखिए ये चटनी का मसाला ठंडा हो गया है। अब मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर बिना पानी डाले इसको हम ऐसे ही पीसेंगे। इसमें मैं खट्टे के लिए 1 चम्मच अमचूर डाल रही हूँ। अगर आपके पास इमली है तो आप इमली का पल्प डाल सकते हैं। और देखिए मैंने अच्छी तरह से पीस ली है, ये अच्छी सी बारीक पीस गई है, और इसको कारा चटनी बोलते हैं। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे, और हमारी ये चटनी का मसाला भी तैयार हो गया है। जैसा कि मैंने कहा कि बिना तड़के की चटनी अधूरी है, तो हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो हम पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे, 2 साबुत लाल मिर्च हम उसमें भून लेंगे। अब हम इसमें, जब मिर्च भून जाएगी तो 1 चम्मच उड़द दाल डालेंगे, उसको भी हम भून लेंगे। उड़द दाल को हम अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि ये फिर हमारे दांत नहीं तो दांतों में लगेगी। वो जब भुन जाए तो हम इसमें करी पत्ता और 1 चम्मच राई दाना डाल करके इस तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल लेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चटनी को भी हम इडली डोसा, उत्तपम या वड़ा पाव किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसको कारा चटनी बोलते हैं। तो हम इसको किसी भी डिश के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी चटनियाँ कैसी बनी, और मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा।
और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे सारे वीडियो देखिए, आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।